हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हर सेमेस्टर और हर ब्रांच के बच्चे को गेसिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में 100% नहीं तो 90% आने के कंफर्म चांस है। अब हम लेकर आए हैं फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट पेपर, जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन। इसका क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन हम ओनली सब्जेक्टिव का कर दिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से 4 ईयर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक होगा उसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है। या अगर आप लोग के पास वेनस पब्लिकेशन का मॉडल पेपर उपलब्ध है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लें। एग्जाम में आपको 16 से 17 ऑब्जेक्टिव टच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो सब्जेक्टिव में, जो मैं आप लोग के साथ डील करूंगा, मैं उसको बता दूंगा, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जरूर देखा जाए ताकि एग्जाम में कम समय बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए। उससे पहले जो बच्चों मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुँच जाए। थैंक यू। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। देखिए बाबू, जो हम पहला क्वेश्चन किए हैं, ये पहला क्वेश्चन में व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, उसको आप लोगों का क्या करना है, डिस्कस करना है ईच एलिमेंट का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार पूछा है, 2006 में भी इस क्वेश्चन का पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है बाबू, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट। आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर है मेरा, जो सा मेरा चैप्टर है, उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ही रहेगा। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देख कहीं एग्जाम में जाएगा, क्योंकि ये 100 में 100% आने की कंफर्म चांस है, ठीक है। उसके बाद बाबू जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और उसका कंप्यूटर में कहाँ का यूज उसको देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। उसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग चिप 8085 और 8086 दोनों को देख कर जाइएगा, ठीक है बाबू, इसको कंफर्म देख कर जाइएगा। ये दोनों में से या तो ये या तो 8086, ये आने के चांस कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है मेरा, ड्रा पिन डायग्राम ऑफ 8251 चिप एंड एक्सप्लेन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन किए उसको एक बार देख लीजिएगा, देखने के बाद अपने आप एग्जाम में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बाबू। शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो हर बार लिखने को आता है, ठीक है। BIU 8259 चिप, इसके बारे में हम लोग लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट अप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का इम्पोर्टेंट अप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज है, उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसका आने के चांस बहुत हैं। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है, इसको कन्फर्म देख के जाइएगा, या तो 8085 या तो 8086, और उसका डायग्राम भी देख के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। उसके बाद फंक्शन देखिए बाबू, शॉर्ट नोट्स पिन आया, शॉर्ट नोट्स में मेरा हार्ड डिस्क आ जाएगा, फ्लोपी डिस्क कंट्रोलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोर्ट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू, ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख के जाइएगा 8085 को, इंटेल का ब्लॉक डायग्राम जो एक्सप्लेन करने को, अगर ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा तो ऑलवेज 6 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग एक्सप्लेन करने का आएगा। अगर एक्सप्लेन करने का ये क्वेश्चन आएगा बाबू, तो ये क्वेश्चन आप लोग कितना मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। और जो बात रहा बता दिए कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए 4 से 5 ईयर पीछे का या 2005 से लेकर 2012 तक का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, उसमें से 100% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में टकरा जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, फ्लिप फ्लॉप को अच्छा से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8086 जो कि आप लोगों को बता दिए कि हाउ मेनी ऑपरेटिंग मोड्स डज 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का आएगा, तभी अगर क्वेश्चन आ सकता है तो कितना मार्क्स में आ सकता है, 6 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए बाबू, जो अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स लिखने का, 8086 से बाद है जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स है, DMA का होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप हम लोग आप लोग को बता दिए, स्टैक पॉइंटर ये सब देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू, व्हाट इज 555IC, इसको भी देख के जाने वाला क्वेश्चन है, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा और इसका पूरा फंक्शन को देख के जाइएगा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कितना मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए, ये दो गो आप लोग का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन लिखने को, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम काउंटर एंड स्ट्रक पॉइंटर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ सकता है, या डिफरेंस बिटवीन आप लोग के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ड्रा द एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा से आ सकता है। चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग का इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और रहा बात सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे कि मार्क्स आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जिस तरह से सब्जेक्टिव है उसको पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। पॉइंट वाइज करने से क्या होता है, टीचर को डायरेक्ट आप लोग निगरानी उस पॉइंट पर पड़ता है, जिससे उस फुल में फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सब वीडियो जितना भी हम गेसिंग करेंगे आप लोग तक जल्द पहुँच जाए। थैंक यू बाबू।